Given that sine alpha is equal to 1 by 2 and cos beta is equal to 1 by 2, then value of alpha plus beta is. बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ध्यान से समझना. साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई टू दी है और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू दी है और हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है. अल्फा और बीटा बेटा हियर आर द एंगल्स, ये एंगल्स हैं. तो बेटा कैसे करेंगे अब हम देखेंगे साइन कितने डिग्री पे 1 बाई टू होता है. उसके लिए बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या तो फॉर्म करना आना चाहिए या आप इसको लर्न कर सकते हैं. फॉर्म करने का बेटा मेथड मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. तो अभी हम देखते हैं बेटा साइन जो है ना 1 बाई टू कितने डिग्री पे है. साइन 1 बाई टू कहाँ आ रहा है देखो बेटा, ये आ रहा है और कितने डिग्री पे आ रहा है 30 पे. सो वी कैन राइट साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई टू ओके. और कॉस 1 बाई टू कितने डिग्री पे है, कॉस वाली लाइन देखो बेटा कॉस थीटा ये ना, ये 1 बाई टू जो है यहाँ 1 बाई टू है और कितने डिग्री पे है ध्यान से देखो बेटा 60 पे है ना, ये देखो 60 डिग्री यस. तो हम कह सकते हैं कि कॉस 60 इज इक्वल टू 1 बाई टू. अब अगर हम कंपेयर करें इधर साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई टू है और इधर साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई टू है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है लेकिन अल्फा की जगह इधर क्या आ रहा है बेटा 30, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंड व्हाट अबाउट बीटा, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू है और कॉस 60 भी 1 बाई टू है. तो बेटा बाकी सब सेम है देखो 1 बाई टू कॉस कॉस बीटा की जगह क्या है इधर 60. ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. और अब हमें फाइंड क्या करना था बेटा, अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा हो गया 30, बीटा हो गया 60 एंड 30 प्लस 60 कितना होगा बेटा 90 डिग्री. सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी 90 डिग्री.